हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है राहुल का। कहते हैं, मैं बाहर काम करता हूँ और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ जॉब करता हूँ, मुझे वहाँ पर एक लड़की पसंद आ गई। मेरे साथ ही मेरी कंपनी में वो भी जॉब करती है, लेकिन मेरे घर वालों का कहना है कि मैं शादी उनकी मर्जी से गांव की लड़की से करूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं घर वालों से कैसे कहूं कि मैं शादी अपनी मर्जी से जिसे मैं पसंद करता हूं उससे करना चाहता हूं। राहुल जी, देखिए, जब आपने पसंद ही कर लिया है अपने मन की लड़की, तो अपने मन की लड़की से ही शादी करिए। और वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो जितना बेहतर वो आपको समझ पाएगी, आप उसे समझ पाओगे, तो वो माँ बाप की पसंद की हुई लड़की शायद ना समझ पाए। तो आपको ज़िंदगी गुजारनी है, आपको एक साथ रहना है, आप अपना फ़ैसला खुद करिए। घर वालों का क्या है, मान ही जाते हैं बाद में, जब उनको ठीक से समझ आ जाता है कि मेरे बच्चों को क्या पसंद है, मेरे बच्चे किस में खुश रहेंगे। तो बच्चों की खुशी के लिए उन्हें अपना फ़ैसला बदलना पड़ता है। आज का दूसरा सवाल है अनीता का। कहती हैं, मेरी शादी हो गई है, एक साल हो गए जब से शादी हुई है, मैं अपने मायके में ही रहती हूँ। एक बार गई, उसके बाद दोबारा वो लेने ही नहीं आए, क्योंकि मेरे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि उनकी मुंह मांगी रकम उनको दे पाते या उनको जो जहेज चाहिए था वो दे पाते, इसलिए वो मुझे ले कर के ही नहीं गए दोबारा। घर वाले अक्सर मुझे देख के दुखी होते हैं, आस पड़ोस वाले ताने देते हैं, बहुत दुखी हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता किससे क्या कहूँ, किसे क्या जवाब दूँ। अनीता जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, बिल्कुल दुखी मत होइए। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने पहले ही अपनी हरकत दिखा दी। आप ससुराल आती जाती, बच्चे होते, जिम्मेदारियाँ बढ़ती और आप घुट घुट कर जीती। इससे बेहतर है कि अभी आप अकेली हो, पढ़ो। अगर आपने पढ़ाई कम की है, आगे की पढ़ाई करिए, अपने पैरों पे खड़ी होइए और दिखा दीजिए कि आप मजबूर नहीं हो, लाचार नहीं हो। हिम्मत से काम लीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपके पास भी है कोई सवाल लव से जुड़ा, रिश्ते से जुड़ा, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlahariya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।